हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बंसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना पिछली बायोलॉजी क्लास में टॉपिक चल रहा था कि पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि, तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि, पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन, पादपों में जल अवशोषण की क्रिया दी। ध्यान देंगे, पादपों में जल अवशोषण की क्रिया के बारे में सामान्य रूप से बात कर लिया था कि जल अवशोषण के दो प्रकार हैं, एक सक्रिय जल अवशोषण, एक निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण और एक होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण क्या है कि जब जल अवशोषण करने वाले कारक जड़ों में स्थित होते हैं, अर्थात जड़े सक्रिय रूप से भाग लेती है, उसे कहा जाता है सक्रिय जल अवशोषण। अर्थात यह जल अवशोषण कब होता है, जब मृदा में पर्याप्त जल की मात्रा हो, तथा कम वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो, उस स्थिति में क्या होता है, सक्रिय जल अवशोषण होता है। अर्थात इसमें उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर एक प्रकार से जब मृदा में पर्याप्त जल हो तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या हो, कम हो, उस स्थिति में क्या होगा, सक्रिय जल अवशोषण होगा। सक्रिय जल अवशोषण प्रातःकाल व रात्रि के समय होता है, ध्यान रहे, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से होगा, दो प्रकार से होता है। नंबर एक, प्राशन द्वारा जल का अवशोषण, नंबर दो होता है प्रासरण विहीन जल अवशोषण। सबसे पहले प्राशन द्वारा जल अवशोषण की बात करेंगे कि जैसे एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूं, ये मूल रोम है और ये एपिब्लेमा है, मूली त्वचा, जिसे क्या बोलेंगे, मूली त्वचा। ये मूल रोम है, और उसके बाद में जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये इसका वल्कुट भाग है, ये वल्कुट है। वल्कुट के बाद में एंडोडर्मिस,
ये है एंडोडर्मिस, ये वल्कुट है, ये एंडोडर्मिस, और उसके बाद में ये परिरंभ कोशिकाएं हैं, और उसके बाद में ये है जाइलम। किस प्रकार से प्राशन के द्वारा जल का अवशोषण होगा ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ये मूल रोम है और ये है मृदाकण और इसमें जल है जिसे हम क्या बोलेंगे मृदा जल। प्राशन के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होगा कि मूल रोम की भित्ति होती है जो कैसी होती है पारगम्य होती है, कैसी होती है पारगम्य, जबकि झिल्ली होती है वो कैसी होती है चयनात्मक पारगम्य। तो प्राशन के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होगा कि मृदा विलयन है जिसके अंदर जल होता है जिसका प्राशन दाब होता है, जो एक प्रकार से मूल के अंदर मूल रोम के अंदर जो जल है उसके प्राशन दाब से क्या होता है कम होता है, जिससे जल होता है जो प्राशन क्रिया के द्वारा किसमें मूल रोम में प्रवेश करता है। मूल रोम में जैसे ही जल प्रवेश करेगा तो मूल रोम कौन सी अवस्था में आ जाएगा स्पीत अवस्था में आ जाएगा। स्पीत अवस्था में आने से मूल रोम के अंदर का प्राशन दाब होता है जो मृदा जल के प्राशन दाब से कम हो जाता है, जिससे मूल त्वचा से आगे स्थित कोशिकाएं होती हैं जैसे वल्कुट की कोशिकाएं होती हैं इनकी डीपीडी, डीपीडी क्या है जल की मांग है विसरण दाब न्यूनता, इनकी डीपीडी क्या हो जाती है भर जाती है, और डीपीडी जैसे बढ़ेगी तो जल होता है जो वल्कुट कोशिकाओं से होता हुआ अर्थात एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिकाएं होती हैं। एंडोडर्मिस की कौन सी कोशिकाएं होती है मार्ग कोशिकाएं, मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ किसमें पहुंच जाता है जाइलम में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से प्राशन के द्वारा जल का क्या हो रहा है अवशोषण हो रहा है। तो आपको बताया गया कि मृदा विलयन से मूल रोम के द्वारा सबसे पहले जल का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण होगा तो जल मूल रोम में प्रवेश कर जाएगा, मूल रोम स्पीत हो जाएगा जिससे आगे की कोशिकाओं की डीपीडी क्या हो जाएगी भर जाएगी, जिससे जल होगा जो वल्कुट कोशिकाओं से होता हुआ एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ किसमें पहुंच जाता है जाइलम में पहुंच जाता है। तो यह प्राशन द्वारा जल का अवशोषण होता है। नंबर दो प्राशन विहीन जल अवशोषण, आपको बताया गया ये प्राशन विहीन है, इसमें उपापचय क्रिया के पश्चात उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके उपापचय क्रिया के बाद में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग करके जल का क्या होता है अवशोषण होता है, अर्थात ये प्राशन के द्वारा नहीं होता है इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है क्योंकि श्वसन क्रिया के बाद में एक प्रकार से वल्कुट की कोशिकाएं होती हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, अर्थात उस ऊर्जा का उपयोग करके जल का क्या किया जाता है अवशोषण किया जाता है, उसे प्राशन विहीन जल अवशोषण कहते हैं। अर्थात ये अपना टॉपिक था सक्रिय जल अवशोषण, जिसके बारे में आप समझ चुके होंगे शायद कि इसके अंदर जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, अर्थात जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है जड़ों के द्वारा होता है, अर्थात जल अवशोषण करने वाले कारक किन में पाए जाते हैं जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये था जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।